हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपके लिए व्रत स्पेशल इडली बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी मैंने साबूदाना छोटे कटोरी ले लिया है और व्रत वाले चावल ले लिए हैं। इनको पीस कर हमने इनका पाउडर बना लिया है, व्रत वाले चावल और साबूदाना का। अभी हम एक बाउल लेंगे, उसमें व्रत वाले चावल का आटा डालेंगे और साथ में साबूदाना का जो हमने पीस कर इसका पाउडर बना लिया है वो डाल देंगे। और इनको हमने अच्छे से स्पून से दोनों को मिक्स कर लेना है। आधा चम्मच हम इसमें काला नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची और नमक डाल सकते हैं। ये मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली थी और गाजर को कद्दूकस करके डाला है। धनिया पत्ता डाल दिया है, धनिया पत्ता ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो डाल लीजिएगा। अभी हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दही लिया है, दही अपने हिसाब से हम डालेंगे और एक अच्छा सा हमने बैटर बना लेना है। जैसे हमें इडलियों के लिए चाहिए उस तरह से हमने बना लेना है और थोड़ा थोड़ा करके दही हमने मिक्स करना है ताकि हमारा एक स्मूथ बैटर बन जाए। और दही कम पड़ गया था, मैंने फिर से इसमें 2 चम्मच दही डाला है। और दही डालकर फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें जो जिस भिगोने में हमने दही लिया था उसमें पानी डालकर इसमें डाल देते हैं और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इडली का बैटर हमारा अभी रेडी है। इसको हम साइड में 2-3 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। जी मैंने इडली के सांचे ले लिए हैं। अभी हम इनमें तेल लगाएंगे। सभी में हमने थोड़ा थोड़ा कर तेल लगाते जाना है। और जी देखिए इडली के फ्रेम हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसमें इनो डाल लेते हैं। इनो हमने तभी डालना है जब हमने इडली बनानी है। और जी देखिए इनो डालकर हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम इडली के बैटर को इडली के जो सांचे हैं उनमें डालेंगे। एक एक चम्मच, 2-2 चम्मच इसमें हमने डालकर सांचे रेडी कर लेनी है। उधर मैंने गैस पर पानी रख दिया था, पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम इनके सांचों को उसमें बर्तन में डालते जाएंगे। इडली को हमने लो फ्लेम पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। और ये देखिए अभी इडली के सारे सांचे डाल दिए थे, ढक्कन लगाकर हम 10-15 मिनट के लिए इनको पका लेते हैं। 10-15 मिनट हो चुके हैं और अभी हम ढक्कन उठाकर चेक कर लेते हैं कि इडली हमारी पकी नहीं है कि नहीं। और ये देखिए हम एक टूथपिक से इसको चेक कर लिया है, इडली हमारी सारी तैयार है। अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। इडली के सांचों को हमने बाहर निकाल लिया था। अभी हम 1-2 मिनट के लिए इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 1-2 मिनट हो चुका है, अभी हम इनको सबको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये इडली खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती हैं और झटपट से बन जाती हैं। इडली हमारी अभी रेडी है सर्व करने के लिए। आप चाहे इसको चटनी के साथ और दही के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी थी। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।